मुरारी पुरवा जिला अमेठी से जी। मेरी पत्नी को काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है, जो कि मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और उसके इलाज के लिए मैं इधर उधर भटकता हूँ और बाहर से दवाएं लिख दी जाती है और उसका आराम नहीं मिलता, तो बोलते हैं डॉक्टर कि इसको जो है ऑपरेशन की सुविधा है, भारी बीमारी होगी तभी इनका इलाज हो पाएगा। मैं आज 4-5 महीने से इसको लेकर के भटक रहा हूँ। कहाँ कहाँ गए सर? मैं गए यहाँ अमेठी CSC गए, इसके बाद जो है जिला अस्पताल गए जो है असैदापुर, इसके बाद वहाँ संजय गांधी गए 4 महीना पहले, वहाँ भी बोले यहाँ कोई ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर तो बोले कि ऑपरेशन होगा इनका, इनके बच्चे दानी में गांठ बता दिए थे। फिर इसके बाद हम मेडिकल कॉलेज गए लखनऊ, वहाँ फिर बोले कि ऑपरेशन से नहीं, ये दवा से ठीक हो जाए, तो दवा हुई लेकिन वहाँ से कुछ दवा जो है नुकसान इनको कर रही है। इसके बाद मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, इनको थायराइड की भी बीमारी है और कहीं से इनको आराम मिल नहीं रहा। डॉक्टर बोलते हैं दवा देते हैं अंदर से और उसको खाने से कुछ आराम ही नहीं मिलता है, और जो महंगी दवाएं होती है वो बाहर से लिख दी जाती है। सही बात है, ये सही है, जो महंगी दवाएं होती है वो बाहर से लिख दी जाती है। अब हम बोलते हैं कि गरीब आदमी, ये कार्ड बना है 5-5 लाख रुपए के इलाज के लिए, और यहाँ पे जो है 2-4-5 सौ रुपए की भी दवा नहीं दी जाती है। 5 लाख का बताते हैं कि जो है दवा करती है सरकार की, 5 लाख का इसमें इलाज मुफ्त है, लेकिन जो है इलाज इनका हो नहीं पा रहा। तो कहाँ 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 और जाने का प्रयास करते हैं? अब हम क्या बताएं, अब हम अपनी मर्जी से जो समझ में आता है उसी तरीके से ट्रीटमेंट खुद हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय क्या बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो उसका सही तरीके से इलाज किया जाए, ताकि गरीबों को इस चीज़ का सुविधा का लाभ मिल सके। और सरकार को क्या बताना, और सरकार को हम यही बताना चाहते हैं कि जैसे यदि कोई वांट निकाली जाती है नौकरी के लिए, तो अगर ग्रुप डी की भर्ती निकाली जाती है तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई लिखे वालों का इंटरव्यू ना लिया जाए। अच्छे पढ़े लिखे वालों का अगर इंटरव्यू लिया जाएगा तो कम पढ़े लिखे वाले जो हैं उनका चयन नौकरी में नहीं हो पाए। हम यही सरकार को कहना चाहते हैं, बस जो जैसे क्योंकि मैं भी इस ग्रुप डी की वांट के लिए कई जगह अप्लाई किया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मैं मेरे समक्ष अगल बगल में जब BA BSc करने वाले बैठे हैं तो कक्षा 8 पढ़ी की नौकरी यदि निकाली गई है तो उसमें कक्षा 8 वाला तो तुरंत ही फेल हो जाएगा। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ग्रुप डी की वांट अगर निकाली जाए तो कृपया ऊंचे पोस्ट वाले जो डिग्री किए हैं उनका कॉल लेटर ना लौटाला जाए। कम पढ़े लिखों को वांट निकाली गई है तो कम पढ़े लिखे वालों को जांच करके उनका कॉल लेटर लौटाया जाए, ताकि उनको भविष्य में उन्हीं के पद के हिसाब से नौकरी मिल सके। एक बार एप्लीकेशन डालें कि यहाँ की लाइट और खंभे पोल ठीक कर दिए जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जिस तरह से दावा कर रही है कि यहाँ पर बहुत सारे खंभे, 3 बार तो मुझे JEE और ये लोग बताए कि आपका दीनदयाल उपाध्याय में आ गया, फिर अब बजाज कोई कंपनी है ये वो करेगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी 1 महीने पहले बात हुई, उसके पहले 2 साल से ये बात एप्लीकेशन दे रहे हैं। दो साल से। तो और क्या बताना चाहते हैं? अब यही बताना चाहते हैं गवर्नमेंट ये बातों को सबको सुने और जो समाधान हो पाए करे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, देखा जाएगा। इतनी अमेठी में समस्या, इतनी समस्या कि प्रति घंटा जाम। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।